आज का हमारा खास वीडियो अपडेट है। रतनपुर से जमालपुर के बीच लाइन वही है जो कि बाढ़ की वजह से अब इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी बंद हो गया है। इसी दौरान सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लाइन कैसे तेज बहाव में बह चुकी है और इसके नीचे का मट्टी खिसक चुका है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही पूरी जानकारी आपको देंगे और रेल यातायात के साथ साथ सड़क मार्ग पर बाढ़ का पानी कितना पहुंचा है और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है, सभी का जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण जमालपुर से भागलपुर के बीच रेल परिचालन ठप है, क्योंकि वजह साफ है कि रेलवे कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती है और इसके बीच खासकर तीन पुल जो कि घोड़घट और एक रतनपुर के पास पुल है जो कि एक लोहा का ब्रिज है और दूसरा गनगनिया, इन तीनों पुल पर रिस्क ज्यादा होने की वजह से इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। हालांकि भागलपुर से खुलने वाली उन लोकप्रिय ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसका रूट डायवर्ट कर दिया गया है। अगर उन सभी ट्रेनों का रूट आपको नहीं पता है तो हम उन सभी ट्रेनों का नया रूट पर वीडियो पहले ही बना चुके हैं और उसका लिंक हम आई बटन में दे दिए चलेंगे, साथ ही इन स्क्रीन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमालपुर से रतनपुर के बीच बही रेल लाइन के बारे में, क्योंकि धड़ल्ले से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि रेलवे लाइन के नीचे से मट्टी खिसक गई है और इसी पर आज का हमारा केस स्टडी है। आपको बता दें कि जमालपुर से रतनपुर के बीच सिंगल लाइन कहीं पर भी नहीं है, तो जाहिर है कि यह वीडियो कहीं और का है और इसे जबरदस्ती वायरल कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जमालपुर से रतनपुर के बीच भले ही अभी पाटम तक सिंगल लाइन है, लेकिन डबल लाइन इसके ठीक बगल में बनाया जा रहा है, जो कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। रतनपुर तक डबल लाइन का काम चल भी रहा है और डबल लाइन भी है। इस तरह का सिंगल लाइन पूरे मालदा डिवीजन में कहीं नहीं है और इस तरह का डबल लाइन यहां से लेकर के ही नहीं बल्कि साहिबगंज तक भी आपको डबल लाइन ही नजर आएगा, केवल बांका इधर आपको सिंगल लाइन देखने को मिलेगा। और यह जो सिंगल लाइन का वीडियो वायरल हो रहा है, यह वीडियो यहाँ का नहीं है, तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, यह वीडियो यहाँ का नहीं है। और यह वीडियो हम इसलिए भी आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर यह वीडियो देख लीजिएगा तो और आप लोग घबरा जाइएगा। इसी तरह के वायरल वीडियो से आप बच के रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में यह भी वायरल हो रहा है कि रेलवे लाइन धस जाने की वजह से या रेलवे लाइन के नीचे से मट्टी खिसक जाने की वजह से ट्रेन का परिचालन बंद हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ट्रेन का परिचालन इसलिए बंद हुआ है क्योंकि ना तो रेलवे रिस्क लेने वाली है और ना ही पैसेंजरों को परेशानी में डालना चाहती है। रेलवे का मकसद है कि ट्रेन का परिचालन हो लेकिन सुरक्षित हो, और यही वजह है कि ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ है। लेकिन इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, यह वीडियो यहाँ का नहीं है, और आने वाले समय में जो भी अपडेट आपको मिलेगा वो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। इसके साथ ही जमालपुर से भागलपुर के बीच दोबारा कब से ट्रेन चलेगी, यह भी अपडेट आपको हम जल्द देने वाले हैं। तो इस अपडेट को कीजिए आगे शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।